महाराजगंज जिले के भारत नेपाली के सुनौली कोतवाली क्षेत्र के बॉर्डर से सटे फरिंदी तिवारी गांव के पास से एसएसबी की 66वीं वाहिनी के जवानों और पुलिस की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान को उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एक संदिग्ध के पास से तलाशी के दौरान 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे कि तभी फरिंदी तिवारी गांव के पास से एक संदिग्ध युवक भारत से नेपाल जा रहा था। जब जवानों ने रोकना चाहा तो युवक नेपाल भागने के फिराक में था, जिसको जवानों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जवानों ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए भारतीय युवक राम बेलास के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।